के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, इसका राइट आंसर होंगे ए चंपारण। कहाँ दोस्तों, चंपारण होंगे। अगला क्वेश्चन है विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ, इसका सही जवाब होंगे डी इनायत अली। क्या दोस्तों, इनायत अली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति का प्रथम चिंगारी प्रज्वलित करने वाली मंगल पांडे कहाँ का मूल निवासी था। जो मंगल पांडे थे वह कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, याद रखिएगा यह बिहार के थे। कहाँ के थे, बिहार के। 3 का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था, तो 4 का आंसर दोस्तों होंगे सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी आजमगढ़। क्या होंगे, आजमगढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को क्षेत्र का शासन घोषित कर दिया था। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को क्षेत्र का शासन घोषित कर दिया था, तो इसका आंसर होगा सी आरा। क्या होगा, आरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पटना के बहावियों की शक्ति कब समाप्त हो गई थी। पटना के बहावियों की शक्ति कब समाप्त हो गई थी, तो 6 का आंसर होंगे सी 1870 से 71 के बीच में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे। याद रखिए दोस्तों कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सैयद अहमद, तो वह पटना में कब आए थे, तो 7 का आंसर होगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होंगे 1821 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक के केंद्र कहाँ था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र कहाँ था, तो 8 का आंसर होगा डी जगदीशपुर। कहाँ दोस्तों, जगदीशपुर। 8 का राइट आंसर होंगे डी नंबर, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, तो 9 का आंसर होगा सी आली गोहर। क्या कौन दोस्तों, 9 का ए होगा आंसर, आली गोहर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था, तो इसका सही आंसर होंगे डी नंबर, शाह आलम द्वितीय। कौन दोस्तों, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था, तो इसका सही जवाब होंगे बी सर हेक्टर मुनरो। कौन दोस्तों, सर हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन है बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था, तो 12 का आंसर होगा ए जगदीशपुर। कहाँ दोस्तों, जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिनिधित्व लगाया था। किस क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, यानी कि उस किताब को मतलब बेचने से रोका गया था, तो 13 का आंसर दोस्तों होगा सी नंबर, ऑप्शन इसका होगा सी देशेर कथा। क्या कथा, देशेर कथा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किस लड़ाई में किया था। कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग यानी कि हेल्प यानी कि मदद किस लड़ाई में किया था, तो इसका आंसर होंगे 14 के सी नंबर, लखनऊ की लड़ाई में। कब, लखनऊ की लड़ाई में, यानी कि 14 का आंसर सी राइट होंगे। अगला क्वेश्चन है अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी।
अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर होंगे ए कैमूर में। कहाँ दोस्तों? कैमूर 15 का आंसर ए होंगे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह व्यक्त किया गया था? 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह व्यक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, 1845 से 46 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिए। जैसे कि ऑप्शन दिया है बसंत आयर, लुगाड़, महाराजा जग बहादुर और महाराजा जयप्रताप सिंह। इसका जो सही जवाब क्या होंगे आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में सरकार की घोषणा की थी। तो इसका जो सही जवाब होंगे दोस्तों वे होंगे बी नंबर, भागलपुर राजमहल। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 19 का आंसर दोस्तों होंगे, जैसे देखिए ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे कि बहावी उलेमा, अमर सिंह, पीर अली, इनायत अली। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में ही दीजिए, क्योंकि आपके लिए हमने दो स्पेशल क्वेश्चन को रखा था जो आपके सामने हमने प्रस्तुत कर रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? दोस्तों इसका सही जवाब होंगे ए लखनऊ का युद्ध। क्या हुआ दोस्तों? लखनऊ का युद्ध। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।